नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योति राज गोविंद ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सभी को सुबह के प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए, अभी ज्योति और परी दोनों सो रहे हैं। ज्योति का बहुत ही तेज तबीयत खराब है, कोहर रही है। अभी जा रहे हैं दोस्तों दवा लेने। बाबू और ज्योति दोनों का तबीयत खराब है एक ही साथ। सबसे पहले जा रहा हूँ बाबू के लिए दूध लाने, और उधर से ही लेके आऊँगा तुलसी पत्ता, क्योंकि ज्योति को अभी सबसे ज़्यादा तुलसी पत्ता का काढ़ा काम आएगा। काली मिर्च और अदरक डाल के उसका वो बना के देंगे, काढ़ा बना के देंगे, ताकि जल्द से जल्द राहत मिले, क्योंकि बहुत ही तेज़ खांसी और खांसी की वजह से उसके पेट में दर्द भी हो रहा है। तो अभी आए थे बाबू के लिए दूध लेने, और गाइस बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। दोस्तों, आप लोग भी जहाँ भी रहिएगा सावधानी से रहिएगा। देखिए हवा चल रहा है ना, पेड़ पौधे कितने हिल रहे हैं, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और गाइस देखिए, यहाँ से लिए एक ठो गोईठा, ये गाय के गोबर का बनता है। तो घर में जितना भी लकड़ी था सब पे तो खाना बना लिया हम लोग, कुछ बचा नहीं है तापने के लिए। तो ये गोईठा लिया, अभी जाएंगे घर पे तो इसको जला के ज्योति को बैठाएंगे वहाँ पे। थोड़ा सा आग सेकेगी तो उसको अच्छा महसूस होगा और गर्मी आएगा शरीर में। तो अभी आ गए अपने रूम पे, देखिए क्या क्या सामान लेके आए। पोलोथिन में आंवला का मुरब्बा है ज्योति के लिए, जो खांसी में आराम होगा। और अभी देखिएगा, ज्योति से पूछेंगे ना दवा के लिए, तो देखिए क्या रिएक्शन होगा उसका। ए ज्योति, देख मैं का लाए, बैठा लेके आए हैं आगे के लिए, जा तुम दवाई ले देता है, ठीक है? दूध ले आए, कॉलेज से जो आता नहीं बताई, जैसे दवाई ले दे, तुलसी पत्ता ले लेनी है, तुलसी पत्ता ये तरह लग जाए। तो दोस्तों, अभी ज्योति को ऐसे ही तुलसी पत्ता दिया है खाने के लिए, ऐसे कच्चा। और अभी जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रख के आए, इसका काढ़ा बनाएंगे। और बाबू को अभी बिस्कुट दे दी, बाबू बिस्कुट खा रहा है। बिट्टू राधे राधे, राधे राधे। बाबू को भी खांसी हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्योति का हालत देख, ज्योति एकदम सूख गई है दिन। अभी चलते हैं फटाफट, इसको काढ़ा बना के देंगे। और घर का काम भी देखिए दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, अभी झाड़ू लगाएंगे, पहले ज्योति का काढ़ा बैठा दे। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे अभी बर्तन भी धोना है, वैसे ही सब काम पड़ा होगा केवल ज्योति का तबीयत खराब होने से। तो दोस्तों, अभी ज्योति के लिए यहाँ पे काढ़ा रख दिया है, काढ़ा तैयार हो रहा है तुलसी पत्ता और अदरक और काली मिर्च का। और हम जा रहे हैं अभी घर का काम करने, यहाँ पे सब पड़ा हुआ है हल्का ही। तुम कहाँ आ गए? देखिए महारानी को देखिए, मना कर रहे हैं हम, भाई मान नहीं रही है। चलो छोड़ो, देखिए थोड़ा सा ठीक होते होते और अपना काम ना छोड़ो। दो नाम कर दीजिए ना बाबू, देख रहे हैं लोग, आप ही लोग समझाइए। अभी कोहर रही थी, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, आराम हुआ, तो चल दी झाड़ू कर। कुहार कुहार के झाड़ू लगाए, माने नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता है हम काम करते हैं। चलिए फिलहाल अभी ज्योति तो झाड़ू लगाती घर का, हम जा रहे हैं यहाँ पे बर्तन पड़ा हुआ है बर्तन धोने। फाइनली यहाँ पे देखिए बर्तन धो दिए हैं, और उसके बाद ज्योति को गर्म कर पानी करके दे दिए थे, उसको नहाने का मन था। और अभी जा रहे हैं बाबू का दूध गर्म करने। क्या बेटू, दूध गर्म करके पियोगी ना? हाँ पियेगी। तो अभी पहले फटाफट बाबू का दूध गर्म कर, दूध गर्म करने से बाद आग जलाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज्योति नहा रही है ना, नहा के तुरंत आग सेक लेगी। तो दोस्तों, ज्योति अभी नहा ली है, और देखिए अभी थोड़ा सा अच्छी दिख रही है। नहा लिया ना दोस्तों, नहाना ही नहाते तो और मेरा तबीयत खराब हो जाता है। अभी चलते, डेली नहाने का आदत है, नहीं नहाएगा तो। तो दोस्तों अभी चलते हैं ज्योति के लिए आग जलाने, माचिस ले लिए हैं। अभी नीचे चलते हैं, आग की व्यवस्था करेंगे नीचे। हमारे बूटू भी जा रही है हमारे सास मामा के लिए आग जलाने। क्या बेटा, चलिए चलिए जल्दी जल्दी चला जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक तगाड़ी ले लिए है, हमारे पास ऑलरेडी था तगाड़ी इस रूम में, और एक
जुगाल रखे हैं, और वहाँ पे जो गईठा लाए थे ना तोड़ के रख लिए। चलो फटाफट चलते हैं पहले आग जला दें। तो दोस्तों फाइनली आग जला लिए हम लोग, और अभी ज्योति यहाँ पे बैठ के आग सेक रही है। कैसा लग रहा है ज्योति? तो इसको राहत मिलेगा आग सेकने से, और अभी जा रहे हैं इसके लिए जो काढ़ा बना के रखे थे ना वो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी ज्योति के लिए ले आ रही है काढ़ा, और ज्योति यहाँ पे आग सेक रही है, परी भी यहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ, गर्मी में महसूस हो रहा है। अभी खाना ही बनाना है दोस्तों, 11 बज गया है। अभी बाबू के लिए दूध लेके आए गर्मा गर्म। देखिए बेटा दूध पी लीजिए। मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से दोस्तों 12 बज गया, अभी तक खाई भी नहीं। हाँ, बिस्कुट दिए थे, अभी केवल बिस्कुट खाई है। दोस्तों बाबू को दूध दे दिए, और अभी हम जा रहे हैं चावल बनाने। यहाँ पे रखा हुआ है हमारा चावल, तो अभी चावल धो के बैठा दिए, चावल बन रहा है। और यहाँ पे आलू ले लिए हैं, अभी भुजिया बना देंगे काट के, और ये दूध लिए है, एक बिस्कुट है। अभी हम और जोशी जा रहे हैं लोग नाश्ता करने। क्या हो गया बेटा? ये सबसे अच्छे से खाए। हाँ ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग सुबह नहीं बोल सकते हैं, 12 बज गया है। अभी मेरे जेब से पैसे निकाल के लेके आइए, वही लास्ट पैसा बचा हम लोग के पास, 700-800 होगा। अभी हम और ज्योति और बाबू तीनों आदमी बिस्कुट और दूध खा रहे हैं लोग। दोस्तों अभी ज्योति को नाश्ता करा के दवा खिला दिए, बुखार का दवा था। और बोतल देखिए कौन सा दवा लेके आई, अपना दवा। ये अपना दवा लेके आई है, बोल रहे खा दिया, बोले दो बोल रही है खा ले मोमा ठीक हो जाए। अभी हम चल रहे हैं भुजिया काटने आलू का। दोस्तों यहाँ पे भुजिया काट के ले आए थे, और ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल गरम हो गया, प्याज काट के डाल दिए उसमें, और आग को ऊपर ही लेके आए हैं लोग। ज्योति वो अकेले मन नहीं लगता ना हमारे बिना, तो यहीं पे बगल में ज्योति आग सेक रही है, और हम यहाँ पे खाना बना रहे थे। दोस्तों फाइनली खाना पीना हो गया हम लोगों का, और ज्योति और बाबू वहाँ पे गए हैं सोने के लिए, अभी भेज दिया उन लोगों को सोने। तो अभी चलते हैं अपना फटाफट दुकान लेके निकलना है। देखिए बुटुल हमारा रस्सी से पैर बांध रही है कि पापा कहीं ना जाए छोड़ के, बोल रही है पापा इतनी ठंडी में ना जाए कहीं छोड़ के, यहीं पे रहे। बताइए आप ही लोग, यहीं पे रहेंगे तो हमारा काम चलेगा? कैसे खाओगी, कहाँ से खाओगी बेटा? मामा बीमार है, मामा का दवाई कहाँ से आएगा अगर नहीं कमाएंगे तो? देखिए बोल रही है आपका मुंह तोड़ दे, रस्सी से पैर बांध दे, छोड़ दो बेटा, नहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, आ जाओ इधर आ जाओ। और गाइस मुझे भी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग ही सोचिए कि अगर नहीं जाएंगे नहीं काम करेंगे नहीं पैसा आएगा, तो जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से कर पाएंगे? देख रहे हैं दो दो आदमी का तबीयत, इसका भी खराब है। बुटुल तो थोड़ा सा अच्छी है, लेकिन इसका दवा हुआ कहीं ले आना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना, और पैसों के लिए काम भी जरूरी है। तो अभी जा रहे हैं इन लोगों को छोड़ के, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बाबू, जल्दी आ जाएंगे, छोड़ो बेटा। अपने प्यारे से दुकान के पास, और अभी अपने प्यारे से दुकान को लेके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जाना है गांव में और टाइम भी ज्यादा हो गया, और अभी सब्जी भी लेना है। देखिए सुबह मंडी नहीं जा पा रहा है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ज्योति मना कर रही है, और ज्योति का तबीयत भी खराब है, तो घर का काम भी देखना पड़ रहा है इसीलिए। तो अभी यहाँ से सब्जी लेंगे, अपने छोटे से यहाँ जो दुकान लगता है वहीं से गांव के जो लोग आते हैं ना सब्जी लेके, उन्हीं लोगों से खरीद के फिर गांव में निकल जाएंगे बेचने। इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये छोटे से दुकान को घर को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने पार्ट टाइम में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और कुछ कर पाए अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, मैं कुछ कर पाऊँ। चलिए ठंडी का मौसम है, जल्दी निकलना है, इसीलिए जा रहे हैं, और देखिए हमारी बुटुल भी आई है हमको छोड़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से किसी प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।